Hey everyone, very good evening. Welcome to Wi-Fi Study, India's number one study channel. और मैं आपको रात को भी सोने नहीं दूंगा. मैं बहुत परेशान करता हूँ तुम्हें. अगे पहली चीज तो आई एम वेरी इम्प्रेस कि तुम लोग रात को 10:30 बजे मेरी तरह उल्लुओं की तरह जाग रहे हो. ठीक है ना मोनिका, निधि, राज, निधि, साहिबा, उपमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ओके, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है. जैसे कि मैंने कहा था, यूपीएससी पूछ चुका है और मैंने भी सुबह पूछ लिया है, तो टॉपिक वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो जल्दी से इसे पढ़ते हैं, एक आइडिया लेते हैं, सो दैट कार्बन ट्रेडिंग के बारे में इसके बाद मेरे को कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े. वन एंड द ओनली वीडियो, दैट्स इट. ओके स्टार्ट करते हैं. सो यार, कार्बन ट्रेडिंग और क्लाइमेट चेंज, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. किस तरीके से, मैं एक बहुत साधारण भाषा में बताता हूं. मेरे पापा ने कहा कि मैं महीने के 20 रुपए ही दूंगा. मेरे पापा ने कहा मैं महीने के 20 रुपए ही दूंगा क्योंकि मेरी इनकम इतनी ही है. इस चीज को ध्यान से समझना. मेरे पापा ने क्या कहा, मैं 20 रुपए ही दूंगा महीने के अपने दोनों बच्चों को मिलाकर. यानी कि घर में दो बच्चे हैं, एक मैं हूं शैतान और एक मेरी बहन है. हम दोनों को मिलाकर 20 रुपए मिलते हैं. ठीक है, यानी कि 10 इसको 10 मेरे को. ये है थोड़ी समझदार, ये खर्च करती है 5 रुपए. मैं हूं शैतान, मैं 10 खर्च करने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं बचता. अब मेरे को चाहिए होते हैं और, तो मैं इससे कहता हूं बहन प्लीज ये 5 दे देना. पापा ने तो 20 का ही टारगेट रखा है ना, पापा का तो नुकसान नहीं हो रहा है, तो मेरे को प्लीज 5 रुपए दे दे. इस तरीके का ये छोटा सा जो फैमिली डील है, इसे हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग. इसे हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग, जो कि सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि इसमें जो हम ट्रेड करेंगे वो होगा कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि एमिशन, साधारण भाषा में कहूं तो पॉल्यूशन करने में सबसे बड़ा रोल है. इसके ऊपर ये वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं. इतनी रात तक नहीं जागा करो यार, रातों को जागने वाले नहीं होते, भाई ऐसे एस्पिरेंट भी होते हैं. ओके, ये अच्छी चीज है, मेरे को भी हैबिट पड़ चुकी है रात रात तक जागने की. ओके, अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप साहिल 1 कोड को यूज कर सकते हैं, दैट गिव्स यू 10% डिस्काउंट. बाकी वीडियो पे आते हैं. व्हाट इज कार्बन ट्रेड? ये तो किताबी डेफिनेशन है. मैंने आपसे कहा था आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से. ये तो बुकिश डेफिनेशन है जो किताबों में लिखी है. किताब क्या कहती है? कार्बन ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट, एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट बिटवीन नेशंस, जो कि डिजाइन किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए. नहीं समझ में आ रहा, देसी चीज पे आते हैं. देखो भाई, देसी चीज पे आते हैं. हमारी देसी चीज क्या कह रही है? दो फैक्ट्रीज हैं, दो इंडस्ट्रीज हैं. एक है और हमारे एक कैप सेट है, एक कैप सेट है कि हम पॉल्यूशन सिर्फ इस लाइन तक ही करेंगे, इस लाइन तक का ही पॉल्यूशन हम करेंगे. ये कंपनी इस लाइन से कम करती है, ये कंपनी इस लाइन से ज्यादा करती है. ठीक है ना? तो ये इसे क्या करेगी कि भैया तुझे तेरा जो बच गया है ना ये पॉल्यूशन, ये तू मेरे को दे दे. यानी कि जो तेरा बचा हुआ कार्बन है जो तूने यूज नहीं किया है, यानी कि जो पॉल्यूशन तूने अभी तक नहीं किया है, उस पॉल्यूशन की करने की परमिशन तू मेरे को दे. बदले में इसे क्या मिलेगा? बदले में इसे मिलेगा मनी. ये अपनी परमिशन इसे देगा और ये परमिशन से इतना पॉल्यूशन और करेगा. देखो, जितना पॉल्यूशन सेट किया था, किया तो उतना ही है ना, ज्यादा तो नहीं किया. अगर मैंने कहा था कि मैं 100 कार्बन ही रिलीज करूंगा तो मैंने 100 ही करे हैं. ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी को ये डायग्राम नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कॉमेंट्स में बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए. ओके, और ये वाला जो डायग्राम है, इसी तरीके के एग्जाम्पल को आप अपने आंसर में दे सकते हो. ये डायग्राम मैं देने वाला नहीं था, लेकिन मैंने आज एक आंसर चेक किया, उसका डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने ये डायग्राम दिया है, सो दैट आप इसे यूज कर पाओ. ओके, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे. डेफिनेशन क्या है? क्रेडिट को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से पैसा या कुछ भी एक प्रॉमिस देके हम आगे बढ़ रहे हैं बात को, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. इसे और क्या कहा जाता है? कार्बन एमिशन को भी ट्रेड किया जाता है, यानी कि कार्बन एमिशन एक तरीके से पॉल्यूशन की ट्रेडिंग को भी चेक किया जाता है. मनीषा, एनवायरमेंट पे देखो, एनवायरमेंट पे चैलेंज किस तरीके से नहीं आएगा. हमने एक टारगेट सेट किया कि 2050 तक हमें पॉल्यूशन एक सर्टेन लेवल पे लाना है, और वो लेवल पे तब आएगा जब हम एक सर्टेन लेवल पे ही पॉल्यूशन करेंगे. हमने पहले से डिसाइड ही कर रखा है कि
इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चलेंगे तभी हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो उसी डायरेक्शन के अनुसार ही कैप सेट करी जाती है कि आप इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करोगे। ओके, सबके में यही डायग्राम होगा? नहीं नहीं और भी डायग्राम सर गूगल से ढूंढ सकते हो। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये शुरू कहां से हुआ? कार्बन ट्रेड की शुरुआत हुई हमारी 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल से, जिसका टारगेट था कि मैं कार्बन एमिशन दुनिया में खत्म करूं और ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करूं, यानी कि जो पॉल्यूशन है उसे खत्म करने के लिए ये बनाया गया था। डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा व्हाट, नाउ व्हाई, इसकी जरूरत क्यों है? क्या इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है? इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत है? हाँ मनीषा बिल्कुल, एक लेवल पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इस लेवल से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसकी जरूरत क्या है, देखो यार इसकी जरूरत क्या, जब एक कंट्री ये कहता है, जब भी एक कंट्री फॉसिल फ्यूल्स यूज करती है, यानी कि जब भी एक देश अपने देश के रिसोर्सेज को यूज करती है, तो वो उसके लिए तो पे करती है, उसके लिए तो पे करती है। सपोज आपने कार खरीदी, आप उस कार के लिए तो पैसे पे करोगे, लेकिन वो कार जो पॉल्यूशन कर रही है उसके पैसे आपने किसको दिए? उसके तो पॉल्यूशन के पैसे तो आपने दिए ही नहीं। यानी कि जो आप पे करते हो, जिसका इम्प्लीकेशन हमारे समाज पे होता है, उसके लिए आप पे नहीं करते हो। यानी कि अगर आपकी कार लेने से, एक डीजल गाड़ी लेने से किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, जो गरीब लोग सड़कों पे सोते हैं, उनको पॉल्यूशन से हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, लंग डिजीज, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं, इसके पैसे कौन देगा? ये इसके पैसे लिए जा रहे हैं आपसे। अनदर इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट, यानी कि मैं बड़े इजीली कह देता हूं कि मैं कोयला यूज कर रहा हूं या पेट्रोल यूज कर रहा हूं, यार ये है तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स ही, ये सालों से हमारी धरती के नीचे हैं, उसे मैं यूज कर रहा हूं, एक समय पे आके खत्म तो होंगे, यानी कि एनवायरमेंट मेरा खराब होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, यानी कि एक तरीके से, साधारण तरीके से, कि मैं उन चीजों के पैसे पे करवा रहा हूं जिसका मेरे को लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट, कहते हैं क्लाइमेट चेंज का जो असर आता है ना, ज्यादातर उन देशों पे है जो कम पॉल्यूशन करते हैं, यानी कि जो पॉल्यूशन कम करते हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा चैलेंजेस है। बिल्कुल साधारण सी चीज है, कोरोना का टाइम देख लो, गरीब ही मर रहा है, गरीब का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, वो ही मर रहा है। कोई भी बड़ी चीज हो, डिमोनेटाइजेशन हो, डिमोनेटाइजेशन करा ब्लैक मनी रईसों के लिए था, प्रॉब्लम किसने फेस करी? गरीबों ने करी, यानी कि जो गरीब है वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा मरता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। बट एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर लिमिट 100 है तो उसे भी कर लिया, ट्रेडिंग से फॉर एग्जाम्पल इंडिया के, बाकी के वो लेवल पे स्पेसिफिक भी कैसे इम्पैक्ट है? पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए क्राइटेरिया सेट किया जाता है मनीषा, पूरे वर्ल्ड पे। देखो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज है, पॉल्यूशन अमेरिका में बढ़े चाहे इंडिया में, चैलेंजेस दोनों को फेस करने पड़ेंगे, इसलिए पूरे वर्ल्ड को एक ही प्लेट में रख के रखा जाता है। इसका एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप भी शैतानी करते हो, भाई भी शैतानी करता है, लेकिन भाई की शैतानी थोड़ी नॉटी गंदी वाली है, आपकी नहीं है, पापा दोनों को सेम सजा दें, क्या ये चीज सही है? नहीं। अगर हम सबसे कह दें कि आप पॉल्यूशन करोगे ही नहीं, तो डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं, भाई मेरे को तो डेवलप होने का टाइम है, मेरा तो अभी समय है कि मैं मेहनत करूं डेवलप हूं, तो मेरे को डेवलप तो होने दो। ये बिल्कुल वही चीज है, अगर कोई एक लड़की का कुछ न्यूज में आ जाए तो माँ बाप कहते हैं आज से तू स्कूल नहीं जाएगी, तो भाई मेरी क्या गलती है, मेरा तो काम है, मुझे करने दो, उसकी सजा मुझे मत दो। बिल्कुल सही चीज, गरीब देशों को इसकी सजा नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि साधारण भाषा में कहा जाए, अगर कोई कंट्री फॉसिल फ्यूल को खर्च करती है तो उसे पे करना चाहिए, उसे पे करना चाहिए, दे शुड पे फॉर देम, उन लोगों के लिए पे करना चाहिए जो इससे इंपैक्ट हो रहे हैं। वाई देख लिया, हाउ, ये काम किस तरीके से करता है, ये मैंने आपको डायग्राम में ही समझा दिया। हर कंट्री एक कैप सेट करता है कि मैं इतना ही पॉल्यूशन करूंगा, यानी कि इतना ही कार्बन मैं रिलीज करूंगा। और कार्बन ट्रेडिंग क्या करती है, कंट्रीज को ये अलाउ करती है कि अगर आप हायर, यानी कि आप ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहे हो, तो आप परचेज कर सकते हो किसी दूसरे के साथ, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो असर होगा वो सेम ही होगा, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप कर दो, हमने तो टारगेट 30 का डिसाइड किया तो 30 ही चल रहा है। यानी कि यहां देश सोच भी सकते हैं इस चीज को कि अगर 24 होगा तो अच्छा है, लेकिन नहीं, वो सोचते हैं हम 30 ही लिमिट रखें। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट भी तो एक टारगेट है ना, लोगों को नौकरियां देना भी तो एक टारगेट है, अगर सारी फैक्ट्रीज बंद कर दूंगा तो नौकरियां कहां से मिलेंगी?
ठीक है ना, अगर वो यही कर दे, हाँ एनजीओ का एग्जाम्पल मनीषा सही कनेक्ट करिए कि सबके ऊपर आप एक जैसी कैप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। द कार्बन ट्रेड ऑल्सो रिफर्स टू द एबिलिटी, एक एबिलिटी भी बताती है इंडिविजुअल कंपनी की, ये भी बताती है कि एक इंडिविजुअल कंपनी कितना पॉल्यूशन करती होगी, उसके पास पॉल्यूशन का राइट है। यानी कि एक तरीके से मेरे पास अगर पैसा है तो क्या मैं पैसे देके जितना चाहे पॉल्यूशन कर लूं? नेगेटिव तो ये दिख रहा है ना, यानी कि उसके पास पॉल्यूशन करने का राइट है, और जो कंपनीज कम पॉल्यूशन कर रही हैं वो उनसे उनका अनयूज पॉल्यूशन खरीद लेगा। ये सारी डेफिनेशन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाएगी, ये एनसीईआरटी की है, ये न्यूज़पेपर की है, तो ओवरऑल पिक्चर आपके सामने है। ओके, गोल क्या है, सीधा सीधा हमारा टारगेट क्या है, डेवलपमेंट फैक्ट्री इंडस्ट्री है, हड़प्पा लाओ, ठीक है। ओके, हड़प्पा में वापस नहीं जाना हमें। टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है कि जो हमारा जो एक बेस लाइन हमने सेट करी है, जो हमारा एक टारगेट सेट है कि इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो अगर कोई इससे ऊपर कर रहा है और कोई इससे नीचे कर रहा है तो टारगेट सेम रहना चाहिए, यानी कि पॉल्यूशन उससे ज्यादा ना हो, यानी कि जो हमारी बेस लाइन लेवल है वो सेम रहे। सर, यूएन में ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि कोई कार्बन ट्रेडिंग नहीं कर सकता? राजशो, यूएन नहीं तो डिसीजन लिया है कि ट्रेडिंग कार्बन कार्बन ट्रेडिंग करना है, उन्हीं का तो डिसीजन है, वो कैसे मना करेंगे? देखो यार, इस चीज को अभी हम डीमेरिट्स देखेंगे, आपको पॉइंट और ज्यादा क्लियर होंगे, थोड़ा सा वेट करो, लास्ट में ये सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करता हूँ। ओके, चलो, बेनिफिट्स क्या है इसके, इसके भी कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला, ये एमिशन कम कर रहा है, यानी कि अगर मैंने सोचा है कि 2050 तक मैं एमिशन कम करूंगा तो इसी स्पीड से हम चलते रहेंगे तो ये कम होगा, चलो ठीक है। दूसरी चीज, इसके वजह से इनोवेशन आएगा। कैसे? सोचो, इंडिया ने पॉल्यूशन कम किया है, इंडिया ने पॉल्यूशन कम किया है ना, यूएस ने ज्यादा किया है, बदले में ट्रम्प चाचा ने हमें दे दिए कुछ पैसे, बदले में ट्रम्प चाचा ने हमें दे दिए, सोचो 500 करोड़। अब इस 500 करोड़ का इंडिया क्या करेगा? इंडिया इसी समय कहेगा कि मैं अपने इंडिया में सोलर प्लांट्स लगवा रहा हूँ, सोलर प्लांट्स लगवा रहा हूं, यानी कि मेरे इंडिया में पॉल्यूशन नहीं होगा। या फिर कहेगा कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे दे रहा हूं कि आप कुछ नया ढूंढो साइंटिस्ट जिससे पॉल्यूशन कम हो, या मैं होंडा या हीरो कंपनी को दे रहा हूं कि जाओ जाओ एक ऐसी बाइक बनाओ जो हवा से चले, यानी कि उस पैसे का कुछ नया यूज किया जा सकता है। ओके, इसके अभी डीमेरिट्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। यानी कि एक लो कॉस्ट पे, यानी कि ज्यादा खर्चा किए बिना हम इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एक ही बिजनेस है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। कैप यानी कि एक बेंचमार्क सेट करना, और ये ट्रेड, ये इफेक्टिव साबित हुआ है, ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में आया कि चलो चलो कर देते हैं, नहीं, इसके हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिले यूएस में, यूएस ने रिजल्ट करके दिखाया है, इससे यूरोपियन यूनियन ने इससे रिजल्ट करके दिखाया है, कहने का मतलब है ये आज तक इफेक्टिव साबित हुआ है। दूसरी चीज, ये कॉस्ट भी तो कम कर रहा है, यानी कि अगर सारे देश एक साथ मिलकर पॉल्यूशन को कम करने लगे तो एक देश ज्यादा पैसे लगा रहा है दूसरे कम, लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन है, यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन है, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स और भी हैं, बेनिफिट्स और भी हैं, ये कंपनीज को मदद करता है, ये कंपनीज को मदद करता है कि आप कोई इजी तरीका ढूंढो। देखो यार, अगर मैं पॉल्यूशन कर रहा हूं, सपोज मेरे को रोज अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और मैं रोज अपनी गाड़ी से जा रहा हूं जो कि डीजल है, तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा ना, मैं कहूंगा यार सीएनजी गाड़ी ले लेता हूँ, शायद मेरा एवरेज अच्छा है। यानी कि जब आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे तो आप डेफिनेटली सोचोगे कि मैं कोई लो कॉस्ट मेथड ढूंढूं, यानी कि जो कंपनी ज्यादा खर्चा कर रही है उनके दिमाग में यह आएगा कि मैं कोई इजी रास्ता ढूंढता हूं, यानी कि एमिशन कम करता हूं, जिसके वजह से एमिशन डेफिनेटली कम होगा। इन्वेस्ट करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी पे, यानी कि वो कंपनी बिना कहे ही, गवर्नमेंट को कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही करेंगे बेचारे। अबे यार, पैसा भी तो बचाना है ना, पैसा नहीं बचाएंगे, पैसा बचाना सबसे बड़ा टारगेट है। अभी पैसे बचाने के लिए तुमसे कोई रास्ता बताऊं, सारे भाग लोगे, मैं भी भाग लूंगा, सब भाग लेंगे, ठीक है। यानी कि ये बिजनेस को एक सस्टेनेबल बना रहा है फ्यूचर के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एमिशन क्या कर रहा है, एक ग्लोबल रिस्पॉन्स है, यानी कि पूरी दुनिया एक साथ आई हुई है ग्लोबल चैलेंज के लिए। देखो यार, अगर इंडिया मना कर देता मैं नहीं करूंगा, तो इंडिया क्या अकेले फाइट कर लेगा ग्लोबल वार्मिंग से? आंसर इज नो। यूएस क्या अकेले फाइट कर लेगा? आंसर इज नो। देखो, ये भूल जाते हैं हमारे नेता कि बादल अगर पाकिस्तान के ऊपर खराब है तो इंडिया तक भी उसकी हवा आएगी। अगर टिड्डे पाकिस्तान में हैं और हम उसे छोड़ दें तो टिड्डे इंडिया में आ जाते हैं। ये हुआ,
पाकिस्तान में आए थे, सबको पता था, पहले से कोई डिसीजन लिया नहीं, टिड्डियां आ गई, यानी कि जो लोकस अटैक हुआ था वो यही था। ऐसी चीजें होती रहती हैं। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेजेस हमारे क्या है कि सबसे पहली चीज तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को नापोगे कैसे, ये सोचो। अब आपके आंसर के सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, ये चीज है। अब देखो डिसएडवांटेजेस में ये क्लियर लिखा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे नापोगे, मैं इस समय आपसे बात करते हुए कितनी बार सांस ले रहा हूं ये कोई कैसे नाप सकता है, ठीक है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसे आप कैसे नाप सकते हो? तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो उसकी ही कोई नापने की प्रतिक्रिया नहीं है। दूसरा, नेता चाहे हमारे देश के हो चाहे किसी और देश के, हरकतें सेम है, हरकतें कुछ ज्यादा अलग नहीं होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो कंपनी दोस्तों की है उसे ज्यादा परमिशन दिलवा दी, किसी को कम परमिशन दिलवा दी, यानी कि परमिट्स में गड़बड़ कर देते हैं, परमिट्स में गड़बड़ कर देते हैं। यानी कि ये जो तरीका है, हम एक एवरेज लगा रहे हैं 2050 तक काम करेगा, लेकिन 2050 से पहले क्या आपने इस आइडिया को अपनाया है बड़े लेवल पे? आंसर इज नो, आपने नहीं अपनाया है। कार्बन को कभी आपने कुछ चेक किया है कितनी है, इस बॉटल मेरे हाथ में कितनी है? नो वन नोस। दूसरी चीज परमिट, यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें हर जगह देखने को मिलता है, स्पेशली इन यूएस, चाइना, इंडिया, इन देशों में क्लियर देखने को मिलता है। दूसरी चीज कहता है ये किस तरीके का, अगर मॉरली सोचो, अगर आप थोड़े अच्छे दिमाग से सोचो, ये गलत चीज नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने के पैसे कर रहे हैं। यानी कि कोई गरीब रास्ते में मर रहा है, मैं उससे क्या कह रहा हूँ, देख तेरे बच्चे को अगर कोई खांसी वासी हो रही है ना, अस्थमा हो गया है, तो इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ले पैसे, ये ले पैसे। ये मॉरली या एथिकली कुछ सुनने में नेगेटिव लग रहा है ना, यानी कि आप पैसे पे करके पॉल्यूशन के लिए गरीब देशों को एक तरीके से एक्सप्लॉइट भी करते हो। पहली चीज, आप उन्हें भी ट्रेड करने का रास्ता दो, यानी कि उन्हें इतनी छूट दो कि वो जो पैसे है ना वो अपनी मर्जी से मांगे, आपकी मर्जी से नहीं, जो आपने कैप सेट करी है उसके अकॉर्डिंग नहीं, अपनी मर्जी से ले। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ये परमिट करते हो कि कार्बन एमिशन को आप कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आता है क्या ये ओवर तो नहीं हो जाएगी, यानी कि ये कैप आपकी पार तो नहीं हो जाएगी, यानी कि कहने का मतलब है क्या आप श्योर हो कि कार्बन एमिशन कम होगा ही होगा, कार्बन एमिशन कम होगा ही होगा। यानी कि इसका एक एंगल मैंने आपको एथिकल दिखा दिया है, इकोनॉमिकल एंगल हमने देखा कि गरीब देशों पे ज्यादा असर हो रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट एंगल पूरा चल ही रहा है, साइंस एंड टेक का एंगल ये है कि इनोवेशन पे फोकस होगा जब पैसा आएगा, ठीक है, सोसाइटी का एंगल ये देखा कि गरीबों पे ही सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, यानी कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना भी जरूरी है जो यहां लिखा है। उसके अलावा चलो, ये तो हमारी पिक्चर हुई पूरी कार्बन ट्रेडिंग की। अब ये दो मैं नाम और बताता हूं, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस पे आऊंगा। क्योटो प्रोटोकॉल, इसके लिए मैंने आपको एनसीईआरटी रिकमेंड करी थी, बट अब जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है क्या? ये एक प्रोटोकॉल है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको जुड़ी हुई है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो राज कह रहा था यूएन मना तो नहीं कर सकता, यार यूएन तो खुद यहां बैठा है तो यूएन कैसे मना करेगा। तो पहली चीज तो यूनाइटेड नेशन ने मिलकर ही ये डिसाइड किया है कि हम इसी तरीके से पॉल्यूशन को कम करेंगे। यार ये होता क्या कई बार पैन का, ठीक है ना? तो उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हम खुद ही मिलकर पॉल्यूशन को कम करेंगे। इंटरनेशनली सेट किया गया कि एमिशन को बाइंड करना है, यानी कि एमिशन को एक फिक्स कैप के अंदर रखना है। ओके, कब स्टार्ट हुआ? 1997 में, 2005 में इसे फोर्स में लाया गया, यानी कि स्टार्ट किया गया। इसका टारगेट क्या है, पूरी चीज एक पिक्चर में कवर हो जाएगी। ये कहता है कि देखो भैया, हमें इतना पता है कि दुनिया में जो पॉल्यूशन है ना, इसका कारण है रईस देश, दुनिया में जो पॉल्यूशन है इसका कारण है रिच कंट्रीज, यानी कि जो डेवलप कंट्रीज है ये दुनिया में सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन, यानी ग्रीन हाउस गैस इन्हीं की वजह से हो रही है। तो इन्होंने कहा कि ये मैं कमिटमेंट चाहता हूं डेवलप नेशन से, जो डेवलप कंट्रीज है लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, आपसे मैं एक कमिटमेंट चाहता हूं कि आप हेल्प करें डेवलपिंग नेशंस की, आप हेल्प करें डेवलपिंग नेशंस की पॉल्यूशन कम करने में। कैसे? पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। यानी कि अगर आपको पॉल्यूशन ज्यादा करना है करो, उन्हें पैसे दो, उन गरीबों का नुकसान मत होने दो,
उन देशों में फैक्ट्री लगाने की आज के टाइम में जरूरत है, वो आप मत करने दीजिए। यानी कि इसको मैं अभी पेरिस एग्रीमेंट के बाद और ज्यादा सिंपल करूंगा, बिल्कुल हमारी वाली भाषा में। अभी मैं ये सारी बुक्स की चीजें आपको दे रहा हूं जो कि आप पढ़ के आंसर लिख पाओ। एक हमारा एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2016 में आया था, बेसिकली 2015 दिसंबर, लेकिन 2016 में आया था। इसने क्या कहा कि हम सबका एक कॉमन टारगेट है कि हम क्लाइमेट चेंज को, जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, उसे कम करेंगे, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे। इस टारगेट को समझो, ये है हमारी कैप। मनीषा, जो आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है हमारी कैप। वो क्या कहते हैं, हम ग्लोबल टेम्परेचर को ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री तक बढ़ने देंगे। यानी कि अगर मेरे यहाँ आज के टाइम में गर्मी में 45 डिग्री पड़ती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2050 तक या 2030 तक केवल 47 तक ही जाने दूंगा, ठीक है ना। कार्बन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही है, यानी कि जो क्योटो कार्बन ट्रेडिंग का आइडिया है विदित, वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में ही है। ये देखो, यहाँ पे एक कैप सेट कर दी कि हम 2 डिग्री तक, 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। लेकिन इसका रास्ता क्या है, तो किसी ने बताया कि अगर हम 30 पॉल्यूशन करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। उसने कहा ठीक है, अब 30 ही करेंगे। यानी कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए ट्रेडिंग डिसाइड करी गई थी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वो कहता है कि 2 डिग्री, यानी कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले का जो टेम्परेचर है, उसके आसपास हम लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, हम 1.5 डिग्री तक ही रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आंसर में नहीं लिखने, फैक्ट्स आंसर में नहीं लिखने हैं, ठीक है ना, फैक्ट्स आंसर में नहीं लिखने। ये मैं समझा रहा हूं कि कैप क्या है। ओके, यहां पे एंड में सारे देशों ने एक प्रॉमिस किया कि हम जो भी टारगेट है हमारे, उसे हम पूरा करेंगे और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे। मोदी जी ने भी टारगेट दिया था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी जोड़ा जाता है। एट लास्ट इस एग्रीमेंट ने क्या कहा, जो कि मेरी फोटो के पीछे थोड़ा सा छुप रहा है, वो ये है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देंगे ताकि वो कोई नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर सके और क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके। यानी कि इसने क्या कहा कि जो पैसे वाले देश हैं, वो गरीब देशों को पैसा देंगे ताकि वो अपनी स्थिति सुधार सके। दैट्स इट। क्योटो भी यही कह रहा है, ये बात भी यही कह रहा है, सीधी सीधी पिक्चर ये है। यानी कि ये एग्रीमेंट हमारा खत्म होता है। अब मैं आता हूं आपको और सिंपल करके। देखो यार, एक जमाना था 16th सेंचुरी, जब इंडिया में मुगल चल रहे थे और पिक्चर सही थी, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। वहीं यूएस, ब्रिटेन, ये कुछ देश उस समय इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ रहे थे, इंडस्ट्रीज की बढ़ रहे थे। यानी कि जब 17th सेंचुरी आई तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज चल रही थी, इंडिया के लोग आज भी तलवार ही चला रहे थे, यानी कि हम इंडस्ट्रीज पे पहुंच ही नहीं पाए थे। अब आप सोचो, इनके 300 साल और हमारी शुरुआत हुई 1947 से। चलो मैं 1900 कह देता हूं, हमारी शुरुआत हुई 1900 से, हालांकि ब्रिटिशर्स ने हमारा डेवलपमेंट किया नहीं था। इन्होंने 300 साल में इतना डेवलपमेंट कर लिया, अभी हमारी तो शुरुआत हुई है, हम तो इतना ही कर पाए हैं, और कल को कोई आके हमसे कहे अब बस 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 और नहीं, ये क्या फेयर है, ये तरीका सही है? इंडिया के साथ ये धोखा नहीं है, जो गरीब देश है उनके साथ धोखा नहीं है। यानी कि एक बच्चा 10 दिन पहले से पढ़ रहा है और एक बच्चे ने आज पढ़ना शुरू किया है और मैं कल टेस्ट दे लूं, चलो सारे एक लाइन में आ जाओ, तो जिसने कल पढ़ना शुरू किया वो तो यही कहेगा, सर मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों बैठा रहे हो लिस्ट में। इसीलिए ये एक सॉल्यूशन है, ये एक आइडिया है जो ये कहता है कि आप इन्हें पैसे दो ताकि ये भी ग्रोथ करें, यानी कि इनकी ग्रोथ को रोका जाए। ये जितना एमिशन कर रहे हैं तो पैसा भी तो खर्च कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ मेंटेन रहे और इनकी बढ़ती जाए, बराबर पे आए तब तक पॉल्यूशन खत्म हो जाए। ये एक सॉल्यूशन इसका निकाला गया है। आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया अच्छा है, अपने लेवल पे काम कर रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। एनी फर्दर क्वेश्चन नाउ? डिसएडवांटेजेस लिखने हैं आंसर में। निधि, मैटर करता है कि क्वेश्चन में पूछे हैं या नहीं, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछे हैं तो नहीं। आप केवल मेरे वाले क्वेश्चन को क्यों सोच रही हो? आप ये सोचो, यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन आए, मैं इस टॉपिक को अपने माइंड में हर एंगल से रखूंगी। आप मेरे वाले क्वेश्चन को आउट करो पिक्चर से। 10 दिन पढ़ने वाला 1 दिन पढ़ने वाले को नोट्स प्रोवाइड कराए। यस, बिल्कुल सही सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, कार्बन ट्रेडिंग है। ओके, सो दैट्स इट।
ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस के लिए यूपीएससी में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका प्लस लेने का मन है तो साहिल वन कोड को यूज करें। ऐसे ही रात रात को आके डिस्टर्ब करता रहूंगा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है? देखो, क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन ट्रेडिंग को इम्पोज कर रहा है, कार्बन ट्रेडिंग का आइडिया देता है, और जो पेरिस क्लाइमेट एक्सचेंज है ये आपको एक टारगेट सेट करके दे रहा है। इसने एक टारगेट सेट किया है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों ही कह रहे हैं कि रईस देश गरीब देशों को पैसे देंगे। ये बात सुन के अमेरिका ने कहा, भाई मैं न्यूज में, अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है सिर्फ इसी वजह से कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पॉल्यूशन मैं करूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं चलाऊंगा, दुनिया में स्टील इंडस्ट्री पे मैं रूल करूंगा, लेकिन गरीबों को पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मेरा नाम है ट्रंप चाचा। ओके, सो दैट्स इट गाइस, गुड नाइट, सो जाओ, लेट मत सोया करो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय करते, गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मेरे को लग रहा था कि रात है, सारे सुपरे हो गए, लेकिन तुम सब आए, थैंक यू सो मच।